यार कल के वीडियो के अंदर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स तुम लोगों ने दिया था, ठीक है। एंड तुम लोग ये पूछे थे कि भैया वेबजी 2023 के अंदर अब तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर बात कर चुके होंगे, ठीक है। भैया मैथ्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, कैसे इसको प्रिपेयर करनी है, हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो ठीक है मैं बोले के बात करने वाला हूं। तुम लोग देख सकते हो मेरे हाथ में यार वेबजी के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये वेबजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तुम सब लोग देख सकते हो, ठीक है। भैया आपको पेपर मिल गया यार, ये 2023 का नहीं है, जब मैंने एग्जाम दिया था 2019 का उस टाइम का पेपर है, ठीक है। तो देख मैं हर एक चीज बोलूंगा, ठीक है। पेपर कैसे आता है, पेपर मैं आज शो नहीं करूंगा, सिर्फ दिखा रहा हूं, ठीक है। किसी और एक दिन अगर तुम लोग चाहते हो कमेंट करना, मैं पेपर भी दिखा दूंगा, पेपर कैसे आता है, कैसे पेपर के अंदर तुमको शीट मिलता है, कैसे उसके अंदर तुमको, अगर कोई बच्चा इस बार पहली बार दे रहा है वेबजी, ठीक है, जो बच्चा ड्रॉपर है उसको पता है मतलब एग्जाम कैसे होता है, राइट। बट तेरे को पता नहीं है अगर तू ड्रॉपर नहीं है तो, मेरा बात सुन ले, ठीक है। ये है तुम लोग का यार एडमिट कार्ड, ठीक है। मतलब मेरा जितना सारा स्टूडेंट है मेरे साथ पढ़ता है, जिसको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, उन लोगों का एडमिट कार्ड तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये भी मेरे हाथ में है। तो भैया आप थोड़ा बताइए, ठीक है, कि यार मैथ्स के अंदर कैसे अपने आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एक बात सुन, ठीक है, कुछ भी यार नहीं पढ़ा है ना अभी, तेरे हाथ में 5 दिन है, ठीक है, 5 दिन ही थोड़ा सा तू जितना पढ़ा है, जितना बोर्ड दिया है उतना देख के जा, ठीक है। मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि तेरे को यार 70 से 60 marks, ये श्योर शॉट तेरे, अगर एक केस है, अगर तू मेरा बात सुनता है, अगर तू मेरे वे में फॉलो आउट करता है, तो ऑन दैट इज द थिंग, ठीक है। अरे हम हर एक बच्चे को रैंकर चाहिए, राइट यार। मैं इधर ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा यार एक हफ्ते के अंदर तू मैथ्स में यार 100 में 100 लेके आएगा, नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो सकता है अगर तू बहुत अच्छा है तो, बट मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हमको उतना लाने की जरूरत भी नहीं है, अगर हम इतना भी लाएंगे ना फिर भी हम एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट कॉलेज हमको मिल जाएगा, ठीक है। बात सुन, ठीक है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर 40-40 करके क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर 50-50 करके मार्क्स होता है, ये सबको पता है थी। फिर को सिर्फ 100 marks 80 questions आ रहे हैं फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसके अंदर हमको यार 100 marks का पेपर आने वाला, ये पार्ट टू में होगा। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को मिला के तेरे को 100 number का पेपर बनाना है, ठीक है, वेबजी के अंदर नेक्स्ट संडे को। एंड इधर तेरे को मैथ्स के अंदर 75 questions आने वाला है, जिसके अंदर तेरे को 100 number का पेपर आएगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 11 से लेके 1 बजे का पेपर होने वाला है फास्ट अप में। अगर फास्ट अप का पेपर उतना अच्छा नहीं गया तो तेरा मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाएगा, तू सेकंड अप में उतना अच्छा स्कोर कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो करना क्या भैया, सिर्फ 6 से 6 topics मैंने यार दे रहा, ठीक है, मैं सिर्फ 6 topics तेरे को बोल रहा हूं जो कि यार इजी है, जो तू बना पाएगा। एंड लास्ट ईयर के पेपर आई थिंक सबके पास है, अगर नहीं है तो कमेंट कर, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो तो ऑन दैट के सेकंड टेक लाइव क्लासेस, बट तुम लोग चाहते नहीं हो आई थिंक, अगर चाहते हो तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स, सेट तुम्हारे फंक्शंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड लिमिट्स, ये जो छोटा छोटा कुछ टॉपिक्स है, मैं कोई हर्ड टॉपिक नहीं दिया, बाकी तू जितना पढ़ा है तू वो करके जा, डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो भी आता है, ठीक है, वो तू करके जा। बट अगर तू इतना सा टॉपिक्स, ये 6 topics एटलीस्ट अच्छे से, थोड़ा अच्छे से करके जाएगा ना, तेरे को 60 से 70 number तू एटलीस्ट बना के आएगा। एंड अगर हम नहीं पकड़ रहे कि तेरे को 100 में 100 बनाना है, देख मेन बात यह है, इधर मार्क्स का खेल नहीं है, इधर नेगेटिव मार्किंग का खेल है, ठीक है। यूएफजी है बाबू, यूएफजी है, मैं स्वयं दिया था, इतना बच्चे को पढ़ाता हूँ, ICSE IAS अभी यूएफजी करवा रहा हूँ, ठीक है। इधर इतना काम है इधर कि तेरे को इधर नेगेटिव मार्किंग का खेल है, इधर कोई भी तेरा ये नंबर कोई दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर तू एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेके आएगा तो तेरा रैंक जो होने वाला है वो बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं होगा, तेरा जो रैंक आने वाला है, ठीक है, रैंकिंग जिसके लेके हम इतना फोकस करते हैं, ठीक है, तेरा अच्छा आएगा, मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ, ठीक है। और एक बात है, वीडियो समाप्त करने से पहले, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर तुम लोग चाहते हो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो, लर्न विद आकाश, मैं उधर आई थिंक नेक्स्ट इस हफ्ते को मैं लाइव आने वाला हूँ हर रात को फ्रॉम लर्न विद आकाश। तुम्हारा वेब जी का अगर जो डाउट है वो मैं क्लियर करवा दूंगा जितना हो सके फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। या फिर आकाश को भी फॉलो करके रखना यार, मैं उधर से भी यार लाइव आ सकता हूँ, ठीक है, तुम लोग अगर चाहो तो, ठीक है। एंड नीचे यार अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, ठीक है, मेरे कॉलेज में या फिर बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो उसमें भी यार मैं तुमको हेल्प करने वाला हूँ, ठीक है। नीचे लिंक है गूगल फॉर्म, ठीक है, उसको भर देना एंड इंतजार करना, मेरा टीम तुमको रीच आउट कर लेगा या फिर मैं अभी रीच आउट कर लूंगा, ठीक है। चलो गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।